खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 9 फरवरी 2023 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय आयत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 14वां बाब और उसकी 30वीं आयत पर गौर करेंगे, जिसमें यूँ लिखा है, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ए खुदावंद मुझे बचा। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को हुक्म दिया कि वो पानी पर चलकर उसके पास आए, तो पतरस भी खुदावंद यीशु मसीह की तरह पानियों पर चलने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे वो खुश्क जमीन पर चल रहा हो। लेकिन फिर पतरस डर गया। मजबूत तरीन ईमान और बड़े से बड़े हौसले में भी डर मिला होता है। जो कहते हैं कि खुदावंद मैं ईमान रखता हूं, उन्हें यह भी कहना चाहिए कि खुदावंद मेरी बेएतकादी का इलाज कर। पतरस शुरू में तो बहुत मजबूत रहा, लेकिन बाद में उसका दिल बैठने लगा, क्योंकि आजमाइश लंबी हो तो ईमान की कमजोरी का पता चलता है। अब उसके डर की वजह क्या थी? लिखा है कि जब उसने हवा देखी, जब तक पतरस ने अपनी नजरें यीशु पर, उसके कलाम और उसकी कुदरत पर जमाए रखी, वो अच्छी तरह पानी पर चलता रहा। नामुमकिन काम मुमकिन रहा। लेकिन जब उसने अपने इर्द गिर्द खतरे को देखा तो डर गया। हमारे डर और खौफ की बुनियादी वजह यह है कि हम जिस्मानी आंख से मुश्किलात को देखते हैं, मगर ईमान की आंख से खुदावंद के हुक्मों और वादों को नहीं देखते। पतरस ने हवा देखी तो उसने जो कुछ पहले देखा था उसे वो याद करना चाहिए था जब यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा था और हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। अब इस डर का नतीजा क्या निकला? पतरस डूबने लगा। जब तक ईमान कायम रहा वो पानी के ऊपर रहा, मगर जब ईमान डगमगा गया तो वो डूबने लगा। हमारी रूहों का डर ईमान की कमजोरी का बायस होता है। हम ईमान के वसीले से महफूज होते हैं। हमारा ईमान जो खुदावंद पर होता है वही हमारी हिफाजत करता है। मसीह की बड़ी रहमत थी कि ईमान के जाते रहने पर उसने पतरस को उसी वक्त डूबने को नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसे चिल्लाने का वक्त दिया और वो चिल्लाया कि ऐ खुदावंद मुझे बचा। मसीह सच्चे ईमानदारों की ऐसी फिक्र करता है जब वो कमजोरी के बायस डूबने लगते हैं। उस मुसीबत में पतरस के पास क्या चारा था? वो चिल्ला उठा। उसकी दुआ का अंदाज बड़ा सरगर्म था, वो इल्तिजा कर रहा था। याद रखिए, जब ईमान कमजोर हो तो हमारी दुआ मजबूत होनी चाहिए। उसकी दुआ का मजमून बड़ा बामकसद था। उसने इधर उधर की बातें नहीं की, बामकसद दुआ। जरूर है कि जब हम भी दुआ करते हैं हमारी दुआएं बामकसद हों, और खुदावंद हमेशा बामकसद दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। खुदावंद आपके साथ हो, आइए हम दुआ करें। अब आप हम मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि कई बातें हैं जिनसे हम डर जाते हैं। ऐ खुदा, कई बार हमारा ईमान कमजोर होता है, हमारे ईमान को बढ़ा, हमारी बेएतकादी का इलाज कर। मेरी दुआ है खुदावंद इस वक्त वो भाई बहनें जो मुख्तलिफ तरह की परेशानियों में डूबे हुए हैं, जो दुखों और मुसीबतों में डूबे हुए हैं, अपने हाथ को बढ़ा और है खुदा उनकी मदद फरमा। मैं बीमारों की सेहत याबी के लिए, गमजदा लोगों की तसल्ली के लिए, बेरोजगारों के लिए अच्छे रोजगार के लिए दुआ करता हूँ। और दुआ है खुदा वो बेटे बेटियाँ जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, है खुदा उनकी स्टडी में तू उनको बरकत देना। आज का दिन हम तेरी फरमा बरदारी में बसर कर सकें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।